और दीगर शहरों की तरह पीर महल में भी नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ जगहों पर इज्तिमाई कुर्बानी के बाद गोश्त मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया जाएगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ समीउर रहमान से। जी समी बताइएगा। अजी बिल्कुल, तहसील भर में ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी के बाद जो है सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से अगर बात की जाए तो म्युनिसिपल कमेटी इंतजामिया की जानिब से भी जो है मुख्तलिफ कलेक्शन पॉइंट बना दिए गए हैं जहाँ पर लाइशें और बाकियात जो हैं वो दी जा सकेंगी। जबकि दूसरी जानिब अगर कुर्बानी की बात की जाए तो इस वक्त मैं पीर सैयद खालिद जफर कुदवाई के दरबार आलिया पर मौजूद हूँ जहाँ पर इज्तमाही कुर्बानी का सिलसिला जारी है। इंचार्ज अशरफ अली खान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि सर इज्तमाही कुर्बानी के हवाले से मजीद क्या कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल की तरह इस साल भी इज्तमाही कुर्बानी जो है हज़रत खालिद ज़फ़र कोतवाई के दरबार पर की जा रही है। इज्तमाही कुर्बानी का मकसद ये होता है कि इन जानवरों का जो गोश्त है कि मुस्तहक अफराद तक एहसन तरीके से पहुँच जाए, और ये काबिले तारीफ़ हैं कारकुन यहाँ के जो हर साल बड़ी तनदही के साथ और एहसन तरीके से ये गुरबा में मुस्तहकीन तक ये गोश्त पहुँचाते हैं। जैसा कि आपने देखा, आपको यहाँ पर मजीद बताता चलूँगा, यहाँ पर दर्जन से जायद जो हैं वो छोटे बड़े जानवर हैं जिनमें ऊँट भी शामिल है। इस हवाले से इज्तमाही कुर्बानी का सिलसिला हर साल। ठीक है, बहुत शुक्रिया समीउर रहमान अपडेट करने के लिए। नाज़रीन रुख करते हैं फैसलाबाद का।